फ्रेंड्स, बिट्टू की कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप घर बैठकर इस ऑनलाइन पाठशाला में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने सीखा पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं और उनकी अवस्था परिवर्तन के बारे में। आप में से कुछ बच्चों ने अवस्था परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानना चाहा था। सो फ्रेंड्स, आज हमारी कक्षा में शीला मैम है जो इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ का एक सामान्य गुण होता है कि वह गर्म करने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलता है। जैसे पानी, पानी की ठोस अवस्था है बर्फ, और बर्फ कर तापमान देने पर यानी गर्म करने पर वह पानी में बदल जाता है। पानी को पुनः गर्म करने पर वह जल वाष्प में बदलता है। और पानी की यह तीनों अवस्थाएं प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास पाई भी जाती हैं। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को संगलन कहते हैं। संगलन यानी जब किसी ठोस को ताप दिया जाए और वह द्रव अवस्था में बदल जाए, इसी को संगलन कहते हैं। और हर एक पदार्थ के लिए यह तापमान अलग होता है। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। अच्छा बिट्टू, अब तुम बताओ, संगलन और गलनांक किसे कहते हैं? जब पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है तो वह संकलन कहलाता है। हर पदार्थ को अलग तापमान चाहिए ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, वही तापमान गलनांक कहलाता है। बहुत अच्छा बिट्टू, तो गलनांक वह ताप जिसपे ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं द्रव को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित होता है। द्रव को गर्म करने पर वह गैस अवस्था में परिवर्तित होता है और इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो बिट्टू बताओ, द्रव से गैस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सुनो बच्चों, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया भी हर पदार्थ के लिए अलग तापमान पर होती है। द्रव से गैस में बदलने के लिए जो तापमान चाहिए उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी को जल वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और यही उसका क्वथनांक भी है। बच्चों, सभी पदार्थों के लिए जो द्रव हैं उनका क्वथनांक निश्चित होता है। बच्चों, ये जो अवस्था परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं वह प्रत्यावर्तित प्रक्रियाएं हैं, यानी उल्टी दिशा में भी हो सकती हैं। ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी होती है। जैसे गैस से द्रव में बदलना, जैसे जल वाष्प का ठंडा होने पर पानी में बदलना संघनन कहलाता है। यह क्रिया बादलों में भी होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बिट्टू? संघनन। तो यानी गैस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, द्रव से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को जमना, फ्रीजिंग या हिमीकरण कहते हैं। पानी को बर्फ में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और यही है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। कभी कभी बहुत कम तापमान और अधिक दाब पर गैस ठोस में बदल जाती है और यह क्रिया निक्षेपण कहलाती है। यह गुण कार्बन डाइऑक्साइड में देखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को ताप कम करने पर और दाब बढ़ाने पर वह ठोस में बदल जाती है, जिसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। तो बिट्टू, ड्राई आइस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक
ठंडक और दाब देने पर वह सीधे ठोस में बदल जाती है तो वह सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहलाती है। कपूर को गर्म किया है बिट्टू कभी तुमने? यस मैम। कपूर को जलाने पर तुमने देखा होगा युवा द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाती है। जी। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जब ठोस को गर्म करने पर वह सीधा गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा बिट्टू, यह तुम्हारा सही जवाब है। जब ठोस को गर्म किया जाता है और वह द्रव में न बदलकर गैस में बदल जाता है तो उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे कपूर। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पदार्थ की अवस्थाओं का अवस्था परिवर्तन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ, बाय।